तो ये अलग से आ गया, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हाँ अच्छा है सर, अच्छा है, ठीक है। सर पता लग जाता है सर आके क्लास में। और ये वाला क्लास वो किया है मैंने, मतलब ये वाला अदिति ओके है ना कलरिया, सर वाइट थोड़ा कलर से सा डार्क प्रॉब्लम, शेड में है क्या कोई? थोड़ा डार्क शेड में ही चाहिए। नहीं सर यस मैंने तो, हाँ हाँ सर थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लग सर जाएगा। ये ठीक हाँ है सर, ये ठीक है सर। हाँ ये हाँ सर ठीक ये ठीक है। ओके। इसमें ब्लू कलर नहीं काम करेगा एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है। वही सर, बाकी कलर्स नहीं ये शेड ठीक है, हो कर जाएंगे रहा सर। रेड कर लाइट रहा रखो है, रेड ज्यादा हाईलाइट हो जा रहा है। और अगर येलो सर, करूँ बैकग्राउंड, तो सर बैकग्राउंड येलो ब्लैक ही करूँ? बेस्ट है। यस नहीं सर, ब्लैक ब्लैक से, मान लो बेस्ट मुझे है। अलग व्हाइट अलग व्हाइट, बैकग्राउंड ब्लैक बेस्ट है, ब्लैक ही चेंज कर दूँ? हाँ सर ब्लैक, हाँ सर, थैंक यू, व्हाइट थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, जैसे भी आप लोग कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो मैंने एलिप्स स्टार्ट किया था। एलिप्स में बेसिक इक्वेशन आप लोगों को बता दी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन की वही होती है कॉनिक्स वाली, उसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो, एंड और क्या था, क्या सर था, वो डेल्टा, डिटर्मिनेंट डेल्टा नॉट जीरो नहीं इक्वल, होना चाहिए। डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर, मनोज ध्यान देना होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है, हाँ सर, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी सर लास्ट में इसके आपने बाद, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कराया था ना, वो एच हाँ कमा के शिफ्टिंग में। ऑफ ओरिजिन कराया था, मैं ओके फिर भी एक सर, बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ जिससे कि सब लोग सेम पेज पे रहो। और फोका यहाँ पे क्या था, डायरेक्ट ए प्लस माइनस ए कॉमन। फिक्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बाय ए, और अपार्ट फ्रॉम दैट एसेंट्रिसिटी आप लोग निकाल ही लोगे, सेंटर यहाँ पे 0,0 है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b2 2b2 बाय ए, 2b स्क्वायर बाय ए, और एंड पॉइंट्स सर प्लस माइनस ए प्लस कॉमा प्लस माइनस माइनस कॉमा 0, नहीं हाँ ए कॉमा प्लस यही माइनस है, बी स्क्वायर बाय ए कॉमा हाँ यस, माइनस ए बाय प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय, हाँ और सर, जब एलिप्स टर्न हो जाएगा तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। 0, प्लस माइनस बी होता है, डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, सेंटर तो अभी भी 0,0 ही रहेगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2a² बाई बी, और एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बी ई कॉमा प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी। ठीक है दिव्यांश, यहाँ तक? अब इसके बाद मैंने बताया था कि अगर मान लो सेंटर मेरा जीरो सर कॉमा सर जीरो नहीं सर हो सर करके, सर हाँ श्रीकांत ये y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b उस भाई, ये एलिप्स इसका के लिए ना डायरेक्ट्रिक्स, जो, हाँ, ये वाले एलिप्स के हाँ लिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक सर, इसमें हम लोग b हमेशा y एक्सिस के लिए और a हमेशा x एक्सिस के लिए रखा है ना, क्योंकि राइट, एनसीईआरटी में वो a को बदल देते हैं। नहीं, एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन मत फॉलो करो, इस सीक्वेंस में पढ़ने पे एडवांटेज होता है, एनसीईआरटी में लिमिटेड चीज़ें पढ़ानी होती है तो इसलिए वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम यही चीज़ फॉलो करेंगे। इक्वेशन मेरी एलिप्स की हमेशा यही रहेगी, ए ग्रेटर देन बी रहेगा तो ये वाली चीज़ें फॉलो होंगी, बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो ये वाली चीज़ें फॉलो होंगी राइट साइड वाली, ओके ठीक सर, है। ओके, अब मैं बोल रहा था कि अगर सेंटर मेरा शिफ्ट होकर के एच कॉमा के हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सबको समझ में आता है ना, ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पहले भी बता रखा है।
ठीक है सर्वेश प्राची समीक्षा ये क्लियर है ना? हाँ तो अब इसमें देख लो एक बार ये यहाँ से मैं वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि अगर मेरा एलिप्स रहेगा तो उसमें चेंज क्या क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। ये एलिप्स आ गया, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हो गए। सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे एक बार बस। हाँ ठीक है सर, हो गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, अगर सेंटर एच कॉमा के मतलब ये पांच जो स्टूडेंट्स हैं यही बताएंगे, दिव्यांश शाक्या प्राची समीक्षा सर्वेश एच प्लस ए कॉमा के ठीक है, और ये वाला माइनस एच माइनस ए कॉमा के, इसके वर्टेक्स के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे h प्लस ए कॉमा के, और ये वाला हो जाएगा एच माइनस ए कॉमा के, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा b, और ये हो जाएगा h कॉमा k माइनस b। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी h प्लस a h प्लस a बाई e, और यहाँ पे h माइनस a बाई a बाई e। ये चीज सबको समझ में आती है राइट प्राची? हाँ सर। ठीक है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ प्राची। ये वाला पॉइंट बताओ, x कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा h माइनस ए, और क्या करें b स्क्वायर बाई a होता है ना प्राची राइट, प्लस माइनस b स्क्वायर बाई a, तो k माइनस b स्क्वायर बाई a लिख देना यहाँ पे, समझ रहा है? देखो परपेंडिकुलर है तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, ये चीज तो क्लियर होगी राइट। अब ऑलरेडी k डिस्टेंस पे हो, उससे नीचे आना है ना b स्क्वायर बाई a, तो k माइनस b स्क्वायर बाई और k प्लस b स्क्वायर बाई a, क्लियर प्राची? समीक्षा आपको भी समझ में आ गया ना? सिमिलरली यहाँ पे h प्लस ए बाई ई बी k प्लस बी स्क्वायर बाई एच प्लस ए कॉमा k स्क्वायर माइनस बी बाई ए, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगी, लेंथ चेंज नहीं होगी। चाहो तो इस चीज को डेसिमोस से देख लेते हैं थोड़ा, सेंटर शिफ्ट कैसे होता है जिससे कि सबको आइडिया लग जाए। मैं टाइम आराम से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए क्वेश्चन के। मान लो x माइनस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 बोल दिया मैंने, प्लस बाय माइनस 3 होल स्क्वायर सर, y के पहले ब्रैकेट लगा दो सर। हाँ वही करना पड़ेगा, y के पहले ब्रैकेट लगा दिया ठीक है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेट्स से 8 ले लिया इज इक्वल्स टू 1। सर वो तरीके के ऊपर जो बॉक्स है वाले, हाँ ये थोड़ा ज्यादा अजीब सा एलिप्स हो गया, नीचे वाली वैल्यू थोड़ी चेंज कर दो, 5 कर देता हूँ। तो देखो अगर मैंने
2.3 सेंटर लिया, तो सेंटर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, जो ये डॉट जो मेरा पेन का निब आ रहा है वो दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ये देखो ये 2.3 पे सेंटर पहुंच गया है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पे ये चीज माइनस कर देता हूँ तो देखो वही चीज x में 2 डिस्टेंस लेफ्ट को शिफ्ट हो गई, तो x माइनस 2 कर रहा हूँ तो राइट में शिफ्ट हो रहा है, x प्लस 2 करूंगा तो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस शिफ्टिंग सबको समझ में आ रही है ना कैसे सेंटर की इक्वेशन की वजह से। और बाकी देखो डायमेंशन कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, ये पॉइंट मतलब ये जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेंथ सेम रहेगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर एंड एवरीथिंग विल बी सेम। तो आई होप ये सबको समझ में आता है कि बस शिफ्ट होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें निकाल सकते हो। इस पे एक आज क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे, तो शायद नोट्स में मिल गए होंगे, देख लेना एक बार। और मैं इससे आगे शुरू कर रहा हूँ। तो मैं चलो एक क्वेश्चन कर ही लो, ये सब यूज़ शुरू हो जाए। तो कुछ पूछ एक क्वेश्चन कराया था, फिर एक और करवा देता हूँ दूसरा कुछ देर करके। जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन है 16, क्वेश्चन है 16, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो सब कुछ निकालो। फाइन, सबसे पहले तो लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस, मेजर एंड माइनर एक्सेस, सेंटर निकालो, एक्सेंट्रिसिटी निकालो। कोई आंसर नहीं चल जाएगा अभी, ओकाई निकालो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना जितने मैं लिख रहा हूँ उतने में आंसर भी आ रहा होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो, वर्टिसेस निकालो, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो, लेटेस्ट रेक्टम और लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालो, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये भी निकालो। एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद यहीं से आगे प्रोसीड करें। इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी? डिवाइड बाय 16 कर लोगे? हाँ। तो बताओ श्रीकांत, सेंटर क्या रहा है? सेंटर
एंटर 1.2 इतना टाइम लोगे श्रीकांत को आंसर दे देगा अच्छा ओके ओके हाँ शिफ्ट हाँ 1.2 यस सर फोकाय कितना आ रहा है प्राची बताओ व्हाट इज फोकाय सर्वेश बताओ फोकाय अच्छा चलो ठीक है इजी चीज पूछता हूँ ए कितना है और बी कितना आया ए वन आया और बी फोर आया ए वन आया और बी फोर आया तो एसेंट्रिसिटी बताओ रूट 15 बाय रूट 15 बाय फोर रूट 15 बाय फोर आया देखना ध्यान से ये दूसरा वाला एलिप्स है b greater than a आ रहा है यहाँ पे ठीक है अब बताओ फोकाई के इक्वेशंस श्रेया श्रेया सिंह हाँ फोकाई के कोऑर्डिनेट्स बताओ दिव्यांश बताओ शंकर फोकाई 1.2 ± √15 क्या बेटा फिर से बोलना 1.2 ± √15 ठीक है सही है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू सिंपल सी चीज है लेंथ कितनी आ जाएगी मेजर एक्सिस की 2 और माइनर हाँ सर हाँ तो मेजर एक्सिस की 8 हो जाएगी माइनर एक्सिस की 2 हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ बी मेजर एक्सिस 2 टाइम्स ऑफ ए माइनर एक्सिस सर उल्टा ना 2 टाइम्स ऑफ बी मेजर एक्सिस हो जाएगा 8 होएगी ना मेजर एक्सिस 8 ही रहेगा इक्वेशन हां 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 ओके एलिप्स उल्टा है ना बेटा हां कुछ उल्टा होगा यस बराबर इक्वेशन ऑफ मेजर एंड इक्वेशन ऑफ माइनर शशांक मीटिंग में equation of major and minor axis equation of major and minor axis koi aur batao equation of major and minor axis sir major axis is equal to 1 or minor axis y is equal to 2 right dekho x is equals to 1 se pass ho raha hai na 1.2 se pass ho raha hai तो मेजर एक्सिस x इज इक्वल्स टू 1 सॉरी माइनर एक्सिस y इज इक्वल्स टू नहीं हां मेजर एक्सिस x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 x इज इक्वल्स टू 1 ये वाली लाइन हो जाएगी ये मेजर एक्सिस हो जाएगी माइनर एक्सिस y इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगी गॉट इट एवरीवन यस सर वर्टिसेस क्या आएंगे What will be the vertices? 1, -2 and 1, 6. 1, -2 and 1, 6. ठीक है तो 1, 2 में तो 1 तो ये इससे फिक्स ही रहेगा प्लस बी करोगे और माइनस बी करोगे तो प्लस बी करोगे तो 6 हो जाएगा माइनस बी करोगे तो 1, -2 आ जाएगा चलो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ यही होता है जल्दी जल्दी में आदत इसलिए आंसर नहीं आते हैं वहां पे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आदत तो चुप रहना कोई किसी और को बोल दे दो ये सबसे टफ क्वेश्चन यही था एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 1 + 1/4, 2
sorry, 1 plus minus 1 by 4, comma, 2 plus root 15 and 1 plus minus 1 by 4. सब गलत कर रहे हो. अच्छा 1 plus minus 1 by 4 बोल रहे हो. ठीक है 1 plus minus 1 by 4, comma, 2 plus root 15 और 1 plus minus 1 by 4, comma, 2 minus root 15. Right. देखो ये वाला पॉइंट फोकस वाला 1.2 प्लस माइनस रूट 15 है, 2 प्लस रूट 15 है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा यहाँ पे. तो 2 प्लस रूट 15 तो आएगा ही, वाई कोऑर्डिनेट कितना, इसमें कितना चेंज आ रहा है, 1 से कितना राइट जाना पड़ेगा, ए स्क्वायर बाई बी, ए बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी राइट जाना पड़ेगा राइट. तो ए स्क्वायर, ए कितना है 1, बी कितना है 4, तो 1 प्लस माइनस करेंगे 1 बाई 4. एकदम सही बताया उसने. तो ये चीज शाकिया समझ में आ रही है बेटा? दिव्यांश क्लियर है? देखो तुम पांचों लोगों के लिए ही रिवीजन करवाया मैंने, नहीं तो मुझे पता है कि बाकी सबको समझ में आ रहा है. तो दिव्यांश कंफर्मेशन दो बेटा, क्लियर है? हाँ. सर्वेश? हाँ सर क्लियर है. क्लियर है. समीक्षा? नहीं भी क्लियर होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, ऐसे हेजिटेट मत करना. प्राची व्हाट अबाउट यू, क्लियर? यस सर. तो सारी चीजें निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी समझ रहे हो ना कैसे निकल रही है, फ्लो समझ में आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके तो अब देखते हैं फोकल डिस्टेंस. जैसा लास्ट क्लास में आदित्य से बहुत बार बोल रहा था. हाँ बेटा बोलो. सर बी ग्रेटर देन ए वो एंड पॉइंट्स ऑफ डेटा स्पेक्ट्रम उसका उसका. देखो बी ग्रेटर देन ए पे क्या हो जाएगा, एलिप्स कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है. अब अगर ये सेंटर मेरा 1.2 है तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो बन ही रहेगा राइट, वाई कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा. तो बी की वजह से मैंने निकाला 2 प्लस रूट 15 आ रहा है, तो मुझे फोकस पता चल गया राइट शाकिया, ठीक है. अब देखो जब मैं यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम निकालूंगा तो लेटेस्ट रेक्टम में वाई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, तो 2 प्लस रूट 15 और यहाँ पे भी 2 प्लस रूट 15 ही रहेगा राइट. जो भी चेंज होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट में होगा. तो 1 में कुछ ऐड हो रहा होगा राइट साइड पे, 1 में कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा राइट साइड पे, तो 1 माइनस और 1 प्लस कर दिया. अब कितना चेंज होता है देखो, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम इस वाली चीज के लिए होता है ए स्क्वायर बाई बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बाई बी राइट. जैसे उसके लिए बी स्क्वायर बाई ए होता है, इसके लिए ए स्क्वायर बाई बी होता है. अब ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू 4 है, तो ए स्क्वायर बाई बी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बाई 4 राइट. तो 1 प्लस 1 बाई 4 और 1 माइनस 1 बाई 4. सिमिलरली नीचे वाले के लिए 1 माइनस 1 बाई 4 कॉमा 2 माइनस रूट 15 आया था यहाँ पे, ये वाला फोकस 2 माइनस रूट 15 था, और 1 माइनस 1 बाई 4 सॉरी 1 प्लस 1 बाई 4 कॉमा 2 माइनस रूट 15. क्या क्या समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट. जो लास्ट क्लास में आदित्य डिस्कस कर रहा था ना कि सर एलिप्स को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वो उसकी फिजिकल डेफिनेशन थी. तो फिजिकल डेफिनेशन पे फोकस करते हैं इस टाइम. तो फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट. अच्छा बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, किसी को स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेंटर चेंज भी कर दूंगा तो किसी को भी? करना वही सब रहेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चेंजेस करने पड़ेंगे सबका. इसीलिए सबकी डेफिनेशन याद रखना, जो चीजें बताई है ना कि एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, सबकी डेफिनेशन याद रखना. डेफिनेशन याद रखोगे तो कहीं पे भी नहीं फंसोगे. चलो मेनली तो वैसे नॉर्मल वाला स्टैंडर्ड वाला ही एलिप्स आता है, वो भी
ए ग्रेटर देन बी वाला ही क्वेश्चन आते हैं, बट मान लो कुछ एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है, एलिप्स को घुमा हुआ देता है, टिल्टेड कर देता है, एडवांस में भी स्टैंडर्ड में ही घुमाते हैं, स्टैंडर्ड भी हो सकता है लेकिन क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो देखो मैंने एक एलिप्स लिया, मैंने सही बनना, उसके बाद फिर एलिप्स लेने के बाद पता नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन मेरे ऊपर नीचे हो जाती है हमेशा, जो दिखाना है वो चीज तो दिख जाएगी। यहाँ पे लेट्स से फोकस लिया मैंने, ठीक है, सेंटर मैंने 0,0 ही ले लिया था, फोकस ले लिया AE,0। अब मैंने कोई भी पॉइंट लिया एलिप्स पे, लेट्स से पी इज एक्स कॉमा वाई, एलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई, जनरल इक्वेशन इस एलिप्स की क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ये, नाउ सी ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहां से अगर मैं दोनों फोकस ले लेते हैं, इसको एस डैश बोल रहा हूँ, मीनवाइल यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, पी पॉइंट से इसको एम पॉइंट बोले, फोकल डिस्टेंस ए बाई माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, मतलब इस माइनर एक्सिस पे, इसको टी बोला है। तो देखो मुझे पता है कि पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई होता है, या पी एस इज इक्वल टू ई पी एम होता है, ठीक है। तो इस पी एम पॉइंट को क्या मैं, इस पी एम डिस्टेंस को क्या मैं एम टी माइनस पी टी लिख सकता हूँ, राइट एवरीवन, एम टी माइनस पी टी लिख सकता हूँ। yes, तो एम टी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कोई बताओ, what will be empty distance, m or t distance, x is equals to a by em, what will be empty distance sir, a by e, okay, minus what will be pt distance sir, x, x ho jayega, yeah, p point x hai, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो y कोऑर्डिनेट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो x में आएगा, और t पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x माइनस x मतलब 0 करोगे तो ये डिस्टेंस पूरी x हो जाएगी, और ये पूरी जो डिस्टेंस है बाहर वाली ये a बाई e हो जाएगी। अब मैंने e को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, e को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो आ जाएगा a माइनस एक्स ई, यहाँ तक क्लियर, पीएस। Yes, sir. Similarly, let's take PS dash distance as well. So PS dash ले रहा हूँ, PS dash. तो अगर मैं PS dash ले रहा हूँ, तो directrix मुझे कौन सी लेनी चाहिए, left वाली की right वाली? Sir, left वाली. Left वाली. तो left वाली directrix पे एक perpendicular drop कर रहा हूँ. इस point को M dash ले रहा हूँ. तो PS dash upon PM dash is equals to E. एक सेकंड, पहले वाले में एक डाउट है, वो PM distance जो PS, अच्छा सॉरी नहीं नहीं eccentricity का भी टर्म है, कुछ नहीं सर। ओके, PS dash upon PM dash is equals to E, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस is equals to E, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ PS dash is equals to E times of PM dash. और yes, देखो sir. अब इस सिचुएशन में पीएम डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, पीटी प्लस पीएम डैश लिख सकता हूँ, पीटी प्लस एम डैश टी, इस पी पॉइंट से ये वाला जो डिस्टेंस है, yes, इसको आप पीटी प्लस पीएम डैश लिख सकते हो। नाउ टेल मी, पीटी डिस्टेंस तो वही है एक्स, राइट, एम डैश टी कितना है, व्हाट इज एम डैश टी, ए बाई डिस्टेंस m by a by e ही रहेगा ना, ये वाला डिस्टेंस, यस सर, तो a by e, तो यहां से आ गया ps dash is equals to xe plus a,
एक्स ही प्लस ए। तो अब देखो पी एस प्लस पी एस डैश करता हूँ अगर, तो कितना आ जाएगा, पी एस का फॉर्मूला ये है, पी एस डैश का डिस्टेंस ये है, तो कितना आ जाएगा, एक्स ही कैंसिल आउट हो जाएगा 2a। और यही डेफिनेशन आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, एनसीईआरटी में, क्लियर सबको, कि अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ एलिप्स पे, तो ये जो फोकस, दोनों फोकस से इसके जो डिस्टेंस होती है ना, उनका सम जो होता है वो हमेशा 2a के इक्वल आता है, वो हमेशा 2a के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो और इसका मैं मतलब भी समझाता हूँ अभी कि क्या होगा। लोकस ऑफ पॉइंट, सॉरी एक मिनट स्क्रॉल अप कीजिए, सर वो डायग्राम, हो गया सर। The locus of point which moves in the plane such that sum of its distance from two fixed points, इन दोनों fixed points को फोकाई बोल दे रहे, is constant, और वो constant क्या है, length of major axis। तो एलिप्स को हम फिजिकल डेफिनेशन जो एलिप्स की होती है ना, ये होती है फिजिकल डेफिनेशन एलिप्स की। तो लिख करके कंफर्म करो फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Okay. तो अब देखो, अगर मैंने फिजिकल डेफिनेशन का मतलब ये है ना, कुछ तो लग रहा है ना कि थोड़ा प्रैक्टिकल सा पॉसिबल है, फिजिकली कैसे बन रहा होगा एलिप्स। तो देखो इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, अगर आपने दो नेल्स लिए, NAILS नेल्स, ठीक है, और उसको हैमर कर दिया, हाँ सर एक लूज थ्रेड लेंगे फिर उसमें कुछ अटका के मारने की कोशिश करेंगे। तो अगर दो नेल्स को आपने कहीं पे स्टक कर लिया, चाहे आप वॉल में कर लो चाहे आप ग्राउंड पे कर लो, और एक लूज थ्रेड लेकर के ना दोनों इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, मतलब दोनों नेल्स पे एक लूज थ्रेड बांध दो। लूज थ्रेड का मतलब कि कुछ इस टाइप का थ्रेड होगा आपका, लूज थ्रेड लेकर के आपने बांध दिया। एक पेंसिल लेकर के अगर थ्रेड पे फंसाओगे और इसको राइट वाले नेल को राइट नेल वन बोल रहा हूँ, इसको नेल टू बोल रहा हूँ, राइट वाले नेल से थोड़ा आगे ले जाओगे तो कुछ थ्रेड एक्सटेंड होकर के इस टाइप से हो जाएगा, ऐसा पेंसिल से अगर खींचोगे इसको तो, और एक जगह स्टक कर लोगे तो, राइट एवरीवन? यस सर। और जैसे ही इस थ्रेड को ना, इस पेंसिल को आप घुमाओगे, तो जो पाथ ट्रेस होगा वो एलिप्स हो जाएगा। जैसे इस लूज थ्रेड को यहाँ पे खींच करके नेल्स के आगे ले जाओगे और फिर उसको घुमाओगे ना, जिससे कि थ्रेड एकदम हमेशा टाइट रहे, तो जो पाथ ट्रेस होगा ना, ये पाथ जो ट्रेस होगा ये पूरा एलिप्स बन जाएगा। तो ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन होती है, क्योंकि फिजिकली पॉसिबल भी होता है, दिख रहा होता है आप लोग को। तो देखो जो थ्रेड की लेंथ रहेगी, वो थ्रेड की लेंथ क्या रहेगी, 2a रहेगी, 2a रहेगी, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस a होगा, ये डिस्टेंस भी a होगा। तो थ्रेड ऑफ लेंथ विल बी 2a। तो फिर मैं बोल सकता हूँ ना कि मैं कहीं किसी भी पॉइंट पर चला जाऊँ तो थ्रेड तो ऐसा है ना, चेंज नहीं होगा ना, थ्रेड इज समथिंग दैट विल नॉट चेंज,
तो ये हमेशा Pn2 और Pn1 जो सम रहेगा, जो थ्रेड की लेंथ रहेगी हमेशा, वो हमेशा 2a मेंटेन रहेगी, आया ना? Yes. तो इसी रीजन की वजह से Ps plus Ps dash जो होता है ना वो 2a आता है एलिप्स के लिए. मतलब फिजिकल डेफिनेशन प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. थ्रेड की लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली, तो दैट इज इक्वल टू 2a. चलो हम बात करते हैं ऑक्सिलरी सर्कल की. ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक सर्कल, एंड एसेंट्रिक एंगल की. अब देखो, अगर मेरे पास कोई एलिप्स है, अगर मेरे पास कोई एलिप्स है और इस एलिप्स के मेजर एक्सिस को एज डायमीटर मान करके अगर मैं एक सर्कल बना दूं, इस एलिप्स के मेजर एक्सिस को और डायमीटर मान करके अगर मैं एक सर्कल बना दूं, तो सर्कल कुछ इस टाइप का बनेगा. राइट एवरीवन? यस सर. अब देखो यहां पे क्या होता है ना कि ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है. ऑक्सिलरी सर्कल इज द सर्कल जो हम एलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके जो सर्कल बनाते हैं, तो वो जो सर्कल होता है उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं. तो लिख लो, एक पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझाता हूँ. अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन एलिप्स, एलिप्स पे ही बनाना है, कहीं पे भी नहीं बना देना है. डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस एज डायमीटर is called auxiliary circle. It's called auxiliary circle. तो अब ये सेंटर मैंने 0,0 मान लिया, ये पॉइंट 1,0 हो जाएगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है. Now tell me सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? सर x square plus y square is equal to a square. x square plus y square is equal to a square. A radius का circle बन जाएगा वो. Yes. Ellipse की equation मुझे given है. General standard equation ली है मैंने. तो x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Now see, अगर मैं इस circle पे कोई भी point ले रहा हूँ, Q point, at an angle let's say theta, at an angle theta, और इस Q point से अगर मैं perpendicular बना रहा हूँ, ठीक है, draw कर रहा हूँ, तो ये जो intersection point है इसको मैं P बोल रहा हूँ. मैंने क्या किया, circle पे कोई भी point लिया Q point at an angle theta, और उसके बाद फिर मैंने Q से perpendicular draw किया, तो वो जहाँ पे P को मतलब ellipse को intersect कर रहा है उसको मैं point P बोल रहा हूँ, ठीक है. तो टेल मी कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू क्या हो जाएंगे? एनीवन? ये रेडियस ए है, एंगल थीटा है, सर आर कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा. हां, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा हो जाएगा. पढ़ा रखा है ये मैंने, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल. यस यस सर. अब देखो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या ए कॉस थीटा ही रहेगा? Yes, sir. और y कोऑर्डिनेट को मैं k ले रहा हूँ, y कोऑर्डिनेट को मैं k ले रहा हूँ. Now let's find the value of this k. तो p का अगर कोऑर्डिनेट x cos theta, हाँ, तो a square cos square theta upon a square plus k square upon b square is equals to 1. यहाँ से a square cancel out हो गया. cos square theta को right hand side पे ले जाओगे,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी साइन थीटा आ जाएगी। यस सर, के की वैल्यू बी साइन थीटा आ जाएगी। तो देखो मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ से, मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैंने कोई ऑक्सिलरी सर्किल का कोई पैरामेट्रिक पॉइंट लिया है क्यू, तो उससे मैं पी के पॉइंट्स निकाल सक रहा हूँ, उससे मैं पी का पॉइंट निकाल पा रहा हूँ। और ये जो पी के पॉइंट्स आ रहे हैं ना, यही पैरामेट्रिक फॉर्म है, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। तो जैसे सर्किल में क्या होता था, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा हो जाता था, यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो थीटा है, इस थीटा को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल, एक्सेंट्रिक एंगल, इसी थीटा को हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक एंगल। रिमेंबर थीटा हम पी पॉइंट पे नहीं ले रहे हैं, थीटा हम कहाँ पे ले रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्किल पे ले रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्किल पे ले रहे हैं। और ये जो पी क्यू है ना, ये जो पी क्यू पॉइंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं पी एंड क्यू आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, पी एंड क्यू आर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। तो ऑक्सिलरी सर्किल बहुत छोटी सी चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके, या हाँ मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके आप एक सर्किल बना दो एलिप्स पे। उसके बाद फिर अगर कोई पॉइंट ऑक्सिलरी सर्कल पे आप ले रहे हो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, तो करस्पॉन्डिंगली पी पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो दिस इज, दिस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इज द पैरामेट्रिक पॉइंट, किसी भी पॉइंट को सर्कल पे लेने का वे क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा एलिप्स पे, सॉरी ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। और ये चीज सबको समझ में आ रही है ना, कि अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग थीटा के लिए अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो जाएगा, पी पॉजिटिव नेगेटिव सब आ जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी, पी पॉइंट जो हो जाएगा उसको पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे ले सकते हो, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पैरामेट्रिक थीटा क्या पे, थीटा क्या है यहाँ पे, एक्सेंट्रिक एंगल है। ये सारी टर्म्स क्वेश्चंस में यूज होंगे, एक्सेंट्रिक एंगल है थीटा। और क्या कहते हैं, हाँ इक्वेशन कैसे हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अगर मैं बोल रहा हूँ, तो एलिप्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, आया ना? हाँ सर, यस, दिस इज पैरामेट्रिक इक्वेशन। ऐसा ही कुछ हमने सर्कल में भी किया था, है ना? सर्कल में yes. डायरेक्टली आ गया, x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta किया था, तो रेडियस हमको a पता चल जाता था। यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रही है इस इक्वेशन को देख के, कि मेजर एक्सिस a है, मेजर एक्सिस का मतलब वो पता चल रहा है आपको, a पता चल रहा है तो आप मेजर एक्सिस निकाल सकते हो, राइट। यहाँ से आपको b पता चल रहा है तो आप माइनर एक्सिस निकाल सकते हो, तो अकॉर्डिंगली आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख सकते हो। एवरीवन नहीं समझेगा किसी पॉइंट पर, अगर ये दूसरे वाला एलिप्स होगा मतलब वर्टिकल वाला, तो हाँ मैं बता रहा हूँ थीटा का डेफिनेशन अलग हो जाएगा। नहीं थीटा का डेफिनेशन नहीं, मतलब थीटा हम लोग वाई एक्सिस से लेंगे। मैं अभी समझाता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ, उसमें भी थोड़ा सा होल्ड करो। यहाँ पे एक चीज लिख लो, बी का मैग्नीट्यूड बस डिफरेंट रहेगा ना, को ऑर्डिनेट। पहले ये चीज लिख लो बेटा, ये चीज पहले पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा जो है मेरा, दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज द पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन एलिप्स। तो किसी भी पॉइंट को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा अब कौन बताएगा कि अगर मेरा सेंटर चेंज हो जाएगा, सेंटर 0,0 होकर के नहीं कुछ और हो जाएगा, h + a cos थीटा और k + b sin थीटा हो जाएगा, बस ऐड हो जाते हैं पैरामेट्रिक कॉस। अगर मेरा हां अगर मेरा सेंटर 0,0 है तब तो ये चीज है, अगर मेरा सेंटर h k हो जाएगा, देखो सेंटर को वापस से ओरिजिन पे लाने के लिए x - h करोगे इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y - k is equals to a sin theta करोगे, this implies that x is equals to h plus a cos theta और y is equals to k plus a sorry ये b होगा b sin theta। तो यहाँ से ये parametric equation, ये original parametric equation होती है, ठीक है। यहाँ पे h comma k क्या है, थोड़ा सा slow तो x is equals to h plus a cos theta, y is equals to k plus b sin theta। यहाँ पे h comma इस equation को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ellipse का center कहाँ पे है, आपको a और b पता चल जा रहा है, और जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता चल रही हैं तो आप equation of ellipse लिख सकते हो बहुत easily, right? सर्वेश क्लियर है ना बेटा? हाँ सर। नोट हो गया सबका या कर रहे हो? डन सर। x is equals to h plus a cos theta, y is equals to k plus b sin theta। क्वेश्चंस पे आते हैं थोड़े, आंसर कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा बस वही चल जाएगा आंसर। x is equals to 1 plus 4 cos theta and y is equals to 2 plus 3 sin theta, ये है मेरे पास। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड एसेंट्रिसिटी, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड एसेंट्रिसिटी। सर आप इस टॉपिक का जरा मुझे ये दिखाएंगे हेडिंग, टॉपिक का ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल। अच्छा एसेंट्रिक एंगल, ओके ठीक है। एसेंट्रिक एंगल वो थीटा जो होता है ना उसको एसेंट्रिक एंगल, पैरामेट्रिक फॉर्म भी लिख दो आगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में मेंशन कर लेना। चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड एसेंट्रिसिटी, कोई आंसर नहीं चल जाएगा, सब वेट करना अभी। आना अनम्यूट करना बेटा। हाँ इक्वेशन बताओ। सॉरी बेटा क्या कह रहे हो? पूरा सॉल्व नहीं करना स्ट्रेस के लिए। अच्छा ठीक है एक मिनट और ले लो। Done, sir. Done. Very good. One drop कर गया. 36 participants कैसे हो गए? क्या मुझे पढ़ाते हुए 50 मिनट हो गए क्या? हो गया था. मुझे पढ़ाते हुए 50 मिनट हो गए क्या? Yes. हाँ सर क्यों? अच्छा पता नहीं चला मुझे। जल्दी हो गई थोड़ी क्लास। होता है सर होता है। होता है। अगर आप रिवीजन में मेजर टाइम लिया था हाँ तो इतना ही टॉपिक हुआ। ओके। तन में मिटा अनम्यूट करो। जो जो अनम्यूट नहीं करेगा ना अभी पीटीएम चल रही है ध्यान रखना। सर। हाँ। सर मैं ऑक्सिलरी सब के साथ लैग हो गया। ऑक्सिलरी सर्कल्स के बाद लैग हो गए थे, मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ऑक्सिलरी सर्कल एंड एसेंट्रिक एंगल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है ना कि अगर मैं डायमीटर ये मान करके मेजर एक्सिस मान करके अगर एक सर्कल बना देता हूँ तो वो ऑक्सिलरी सर्कल हो जाता है एलिप्स पे, ठीक है। अच्छा अब उसके किसी भी पॉइंट को क्यू लेते हो तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को अगर ए रेडियस पता है थीटा एंगल पता है तो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा लिख सकते हो। हाँ सर। उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे
तो पी पॉइंट तो सेम ही रहेगा ए कॉस थीटा, राइट? मतलब x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हमने निकाला तो देखा b sin theta आया, ठीक है? Yes, sir. उसके बाद फिर मैंने बोला कि किसी भी पॉइंट ऑन एलिप्स को आप a cos theta b sin theta लिख सकते हो, थीटा यहाँ पे एसेंट्रिक एंगल होता है, थीटा इज नॉट द एंगल डायरेक्टली, याद रहे पी से डायरेक्ट एंगल नहीं देख रहे हैं हम, क्यू पॉइंट पे एंगल बना रहे जो ऑक्सिलरी सर्कल पे बन रहा है, तो उस एंगल को एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं, तो a cos theta b sin theta आ गया। फिर पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने बताई कि अगर मान लो सेंटर h, k हो गया तो x माइनस h इज इक्वल टू a cos theta, y माइनस k इज इक्वल टू b sin theta, जैसे सर्कल में किया था सेम। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू h प्लस a cos theta, y इज इक्वल टू k प्लस b sin theta। आना हो गया बेटा? हाँ बताओ इक्वेशन। अपॉन 9 is equals to 1, ठीक है? तो देखो सबको सेंटर समझ में आ गया, x माइनस 1 और y माइनस 2 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर किया, सबको a पता है, a is 4 and b कितना है 3 दिया हुआ है, तो a square और b square होता है फॉर्मूले में, तो 16 और 9 कर दिया is equals to 1, एसेंट्रिसिटी क्या होगी अन्ना? 7 by 4, ठीक है? तो अगर मुझे a स्क्वायर पता चल गया, b स्क्वायर पता चल गया, तो एसेंट्रिसिटी में बहुत इजीली निकाल लूंगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना कि कैसे एक छोटा सा इक्वेशन दे करके मुझे एलिप्स की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लियर है सबको? अब प्रभाकर ये बताओ, आदित्य प्रभाकर, कि अगर यहाँ पे a और b चेंज हो जाएगा तो क्या करेंगे, इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोच करके बताओ ना सर। मुझे आप इतना बताओ, थीटा जो हम लोग मेजर कर रहे थे वो एक्स एक्सिस से ही करेंगे ना इस बार भी? हाँ, अच्छा मैं समझ गया तुम्हारा डाउट क्या है सर। हाँ सर, क्योंकि मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा के टर्म्स में सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे मेजर करेंगे तो बस ए और बी चेंज करना पड़ेगा। बोलो श्रीकांत, क्या बोल रहे हो? सर मुझे लगा था ये एक्सेंट्रिक एंगल का कुछ एक्सेंट्रिसिटी से कुछ रिलेशन होगा, लेकिन नाम से तो लग रहा है कि हाँ है। चलो ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कभी और, अभी फिलहाल लेट्स नॉट कंफ्यूज एवरीवन। देखो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, अगर मान लो मैं कोई पॉइंट पी ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सर्कल सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी आदित्य? फिर x square plus y square equal to b square plus y square is equals to b square। तो p point क्या हो जाएगा, मतलब q point, कोई भी point लोगे आप, q point कोई भी point लिया सर्कल पे, तो अभी ये q point क्या हो जाएगा, x axis से ही लेंगे, क्या हो जाएगा b cos theta, b cos theta comma b sin theta, तो फिर इस पॉइंट पर b sin theta कांस्टेंट रखेंगे। हाँ, तो इस पर b sin theta कांस्टेंट हो जाएगा। तो मान लो ये पॉइंट p है मेरा, दिस पॉइंट इज p, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करेंगे ना, मेजर एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे। यस सर। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ एवरीवन। a cos theta कॉमा b sin theta ही आ जाएगा, चेक करो। आया ना? Yes, sir. तो yes, कुछ भी हो जाए पैरामीटर की इक्वेशन वही रहेगी, ठीक है? a cos theta b sin theta, a और b अगर बड़े हो जाएंगे तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें आप समझ सकते हो ना, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर? मतलब इक्वेशन चेंज नहीं होगी, लेकिन हम जिसको एसेंट्रिसिटी वो सब, हाँ, तो अकॉर्डिंगली जैसे ही b स्क्वायर आपका बड़ा, जैसे ही आपने ये इक्वेशन लिखी इस डेटा से, जैसे उसमें मान लो b की वैल्यू यहीं पे मैंने 5 कर दी होती या चेंज कर दिया होता, स्विच कर दिया होता, तो अकॉर्डिंगली सारी चीजें समझ में आ जाती ना आपको। हाँ सर, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी एलिप्स आ जाए, हमें पीक पॉइंट a cos theta b sin theta ही लेना है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस सर। यस सर। गुड। चलो एक और क्वेश्चन करो।
एसेंट्रिक एंगल निकालो, एसेंट्रिक एंगल एट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स, ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स x square upon 6 plus y square upon 2 is equals to 1, whose distance from center is 2, whose distance from center is 2. Answer mat bolna, done bolna bas. सर्वेश क्लियर है ना बेटा सब कुछ? हाँ सर क्लियर। दिव्यांश आप फास्ट तो नहीं लग रहा ना? सब कुछ ठीक है। बट प्राची समीक्षा आप लोग भी कंफर्मेशन दे दो एक बार। चलो एसेंट्रिक एंगल निकालो ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन भी है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 2। आदिति बहुत टाइम से आंसर नहीं किया आपने, बताओ आंसर का आंसर। श्रेया सिंह बेटा आपका भी नंबर आएगा, आपका हो जाएगा तो मुझे डन बोलना। x square upon 6 plus y square upon 2 is equals to 1. Done, sir. चैट सेक्शन में किसी ने कुछ लिखा है? मैं चैट सेक्शन में अच्छा कृषिता, वेरी गुड कृषिता। कृषिता आप बताओ आंसर बेटा इसका, क्या आंसर आ रहा है? इसी वाले क्वेश्चन के लिए लिखा था कि किसी और क्वेश्चन के लिए लिखा था? अच्छा चलो कोई नहीं, अभी करके बताओ इसको। सबसे पहले डन किसने बोला था? शंकर ने बोला था। ठीक है नहीं आदित्य से पहले शंकर ने बोला था। शंकर बताओ आंसर क्या आ रहा है? 3π/4, 5π/4 दो आंसर आ रहा है सर। ओके शंकर होल्ड करो अभी, कितने आंसर आने चाहिए आदित्य? एक आंसर आना चाहिए। एक आंसर वाला कौन है? एक आंसर वाला कौन है बेटा, नाम बताना एक बार, सॉरी मैं आवाज मिस कर गया। चार आंसर आएंगे प्रभाकर के, चार आंसर आ रहे हैं। दिव्यांश कितने आंसर आ रहे हैं बेटा? दिव्यांश एक आ रहा है। मनीष कितने आंसर आ रहे हैं? मनीष देखो जो जो नहीं म्यूट करके अनम्यूट करके बोल रहा है ना, याद रखना पीटीएम है सबकी। ओम आप बताओ कितने आंसर आ रहे हैं? हेलो सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, आपने क्वेश्चन याद कुछ करा है क्या? नहीं नहीं क्वेश्चन के आंसर ही पूछ रहा हूँ, घर बताओ सर। एक मिनट सर मैं कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन भी नोट नहीं हुआ था, आपने वन लिखा फिर मैं करके बताता हूँ। ठीक है जिंदल कितने आ रहे हैं? आदित्य जे कितने आ रहे हैं? चार आएंगे। चार आएंगे। शंकर दो ही क्यों बोला बेटा आपने? हाँ सर मुझे समझा सर, अभी चार आएंगे ना, वो बस डिस्टेंस बोल रहे हैं ना तो। आदिति कहाँ हो, अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? दो आए दो एक सेकंड बाद। देखो बाय लॉजिक भी ना चार आंसर आने चाहिए। देख मैंने आंसर से उसी से बोला, मेरा निकला नहीं है। क्या करना है आपको, बाय लॉजिक भी देखो कि अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस बोला है तो दो इस पॉइंट का भी हो सकता है, इस पॉइंट का भी हो सकता है, इस पॉइंट का भी हो सकता है, इस पॉइंट का भी हो सकता है।
सारे सिमेट्रिक होंगे तो आंसर तो चार आने चाहिए, ये चीज सबको समझ में आ रही है ना। सर्वेश आंसर बताओ बेटा। हाँ सर मेरे को फोर आया सर। अच्छा चलो यहाँ पे सर्वेश अगर बताओ, यहाँ पे मैं किसी पॉइंट पी को मानता हूँ तो पी पॉइंट को क्या लिख सकता हूँ? सर ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। रूट सिक्स कॉस थीटा कॉमा रूट टू साइन थीटा, यही होगा ना? हाँ सर। 45 डिग्री है क्या? हाँ 45 डिग्री के ही मल्टीपल आएंगे सारे। 0.0 से अगर मैं डिस्टेंस लेकर के इक्वेट कर दूं 2 से तो देखो क्या होगा, 6 cos square theta plus 2 sin square theta is equals to 4, यही हो जाएगा ना? x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square is equals to distance का square। तो अब देखो यहाँ से 6 cos square theta plus 2 sin square theta, तो 2 cos square theta plus 2 sin square theta तो हटा दो तो क्या बचेगा? Well, theta. 4, हाँ 4 cos square theta plus 2 is equals to 4, या cos square theta is equals to 1 by 2, या cos theta is equals to plus minus 1 by root 2. Sir, simply हम लोग ये circle with radius 2 और इसका intersection ही निकाल रहे हैं। Circle with radius 2 और circle with ellipse का, हाँ बेसिकली ये भी कह सकते हो कि एक सर्कल विद रेडियस 2 और इसका इंटरसेक्शन निकालना। पैराबोला की बुकलेट में भी बहुत क्वेश्चन थे, फोकल डिस्टेंस इतना है उसमें, वही ओके भाई सही बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है कि हम एक सर्कल विद रेडियस 2 बना लें क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से फिक्स है और देख लें उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ रहे हैं। तो वही चीज़ है, देखो कॉस थीटा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 आया, सर्वेश साइन थीटा कैसे आ रहा था? अच्छा तुमने मतलब फिर भी cos square theta ही बच रहा है ना, तो आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए। तो cos theta plus 1 by root 2 क्या होता है? plus 5 by 4 minus 5 by 4। हाँ बोलो श्रीकांत। क्वेश्चन नहीं समझा, वापस बताइए। क्वेश्चन नहीं समझा? अच्छा देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एसेंट्रिक एंगल निकालना है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन। अच्छा सॉल्यूशन नहीं समझा। p पॉइंट को मैं क्या ले सकता हूं? a cos theta b sin theta ले सकता हूं। हां तो a कितना है? root 6 है ना? जब यही पैरामीट्रिक इक्वेशन ही पढ़ाई है तो पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लोगे? ऐसे ही तो लोगे ना। तो ठीक है cos थीटा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 आया, तो cos थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 कहां होता है? प्लस 5 बाय 4 और माइनस 5 बाय 4, और माइनस 1 बाय रूट 2 कहां होता है? 3 पाई बाय 4 एंड माइनस 3 पाई बाय 4। तो क्या हो जाएगा? 5 बाय 4, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4, चार आंसर्स आएंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेता तो लॉजिकली आप सर्कल बना करके कर सकते थे। दिस इज अ गुड पॉइंट जो आदित्य ने यहाँ पुटअप किया है कि सर अगर x इज इक्वल टू 2 डिस्टेंस माने तो एक सर्कल बना लें, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लें। तो ये इस तरह से भी आप सोच सकते हो एवरीवन। और क्वेश्चन करें, ये समझ गया? Yes, sir. अदिति कहाँ गलत कर रहे थे? सर नहीं मतलब मेरा cos theta is equal to 1 by root 2 आया, मेरे को लगा कि वो चार वाली चीज कंसीडर नहीं की मैंने, मैंने 5 by 4 और 3 by 4 छोड़ दिया। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में ना जब भी स्क्वायर रहता है ना तो राइट हैंड साइड पर जरूर रूट लिया करो, मतलब प्लस माइनस लिया करो ट्रिगो में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताओ। इक्वेशन ऑफ, ये इक्वेशंस पे लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर एट, मतलब बेसिक इक्वेशंस पे स्टैंडर्ड फॉर्म इन सब पे, इसके बाद फिर वहाँ पे शुरू मतलब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर 2.3, वन ऑफ द फोकस एट 3, -3 and vertex at 4, -3। Done बोलना बस, answer नहीं। Equation of ellipse having center at 2, -3, one of the focus at 3, -3 and vertex at 4, -3। गर्व होना मीटिंग में,
हाँ सर हूँ। हाँ तो इस बार आंसर तुम करोगे। ओके डांसर। वेरी गुड बेटा। मैं असाइनमेंट के लिए सोच रहा हूँ नारायणा का मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। उसका मटेरियल एलिप्स के लिए बहुत अच्छा है, तो देखता हूँ लैपटॉप में पड़ा होगा तो वो वाला पीडीएफ बुकलेट लगाओगे, जो जो क्वेश्चंस में बोलूँगा वो तो लगाओगे ही, साथ में अपनी बुकलेट भी लगाना स्टार्ट कर दो आप लोग। अच्छा संडे को TWT है, एवरीवन इज अवेयर राइट? यस। और होमवर्क सबमिशन के लिए मैंने वेंसडे बोला था, तो सबका हो गया या बचा हुआ है अभी? सर J11 थोड़ा बचा है। JE Archives भी करने को बोला था बेटा। सर आप उसको ये डाउट सेशन आप लेक्चर रख सकते हैं। अब देखो जो ये वाला लेक्चर है ना संडे वाला मेरा, उसको जैसे आप लोग करना चाहो चाहो तो उसमें डाउट्स लेकर के इन्हीं सारे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो बता दूं, या तो फिर उसमें प्रॉपर पीएस सेशन रख सकते हैं। पीएस सेशन रखोगे तो किस चैप्टर का रखोगे? पीएस सेशन तो मैं मिक्स रखूंगा, फिर मैं ऐसा नहीं लिमिटेड नहीं करूंगा सर। तो प्रैक्टिस सेशन ले लो और फिर नेक्स्ट वीक में आप किसी दिन जो 3 बजे का ऐसे रहता ना तब डाउट सेशन ले लीजिए। अभ्यास सेशन यार कंबाइन नहीं हो पाता ना, वो 10-10 5-5 बच्चे आते हैं उसमें से भी पता नहीं कितने ज्वाइन करते हैं कितने नहीं ज्वाइन करते। तो नहीं मतलब मैं कह रहा था कि आप अगले हफ्ते में कभी भी फिर डाउट सेशन एक बार रख लीजिएगा पैराबोला को, बुकलेट डिस्कशन रख लूंगा बेसिकली। हां सर। हां सर उसी के लिए। चलो ठीक है देखता हूं, इस संडे भी मेरा फ्री नहीं है। तुम लोग की एक क्लास रखी है, एक और क्लास रखी है, फिर 3 घंटे मीटिंग है, 2 घंटे मीटिंग है मेरी, 2-3 घंटे। चलो ठीक है देखते हैं। ये बताओ ये क्वेश्चन, हाँ बताओ बेटा बोलो। सर वो होमवर्क ग्रुप का आप इनवाइट भेजोगे? होमवर्क ग्रुप का? हाँ ठीक है मैं भेज देता हूँ अभी ग्रुप में वापस से। अच्छा ऐसा PDF क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एज सच, आप मुझे बस इन्फॉर्म कर दो कि आपने कर लिया, दैट इज ओके। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि फालतू असाइनमेंट भी करो फिर बैठ करके फोटो खींचो, 15 मिनट PDF में कन्वर्ट करो, इतना पेन मत लो, बस मुझे इन्फॉर्म कर दो दैट इज ओके। कब टेस्ट है? मेरा लैग हो गया था। देखो कब टेस्ट है कहां सर, सर बोलो। हां नहीं बेटा, हां अगर आप बोल रहे हो ना बोलो। हां सर x-2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y+3 का होल स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू 1। सही आ रहा है एवरीवन? शंकर मैच किया बेटा? हाँ सर। ठीक है तो देखो क्या दिया हुआ है मुझे, सेंटर दिया हुआ है 2-3 पे, फोकस दिया हुआ है मुझे 3-3, और वर्टेक्स दिया हुआ है मुझे 4-3। तो ये जो वर्टेक्स वाला डिस्टेंस होता है सेंटर से, यही ए होता है, तो ए की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद ये जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है ये ए ई होता है, तो ए ई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, तो ए की वैल्यू 2 है, एसेंट्रिसिटी 1/2 आ गई। एसेंट्रिसिटी आ गई 1/2 तो बी निकाल सकते हो, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी।
वेरी गुड, मैं आंसर किया इधर, ठीक है। जैसे ही आपने ये सब निकाल दिया तो फिर सेंटर के लिए क्या करोगे, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 अपॉन a स्क्वायर 4 प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट, y माइनस माइनस 3 करोगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे और क्वेश्चन नहीं करेंगे, मतलब इस ये बेसिक वाले जो क्वेश्चन है ये नहीं करेंगे, बाकी एडवांस अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो सबको पैरामेट्रिक फॉर्म क्लियर है ना, ऑक्सिलरी सर्कल पैरामेट्रिक फॉर्म, एसेंट्रिक एंगल, ये सब चीजें। यस सर। अभी टेंजेंट, अभी टेंजेंट से पहले तो पॉइंट आएगा ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स। बताऊं या छोड़ दूं? ये छोड़ दो सर, प्लस माइनस फिर वहां से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स बताओ, आप ही लोग बताओ, ये टॉपिक कौन समझाएगा? सर टेस्ट नहीं है ना? टेस्ट क्यों नहीं है? कब है? संडे को है, संडे को है सर। टाइमिंग कल मैं नोटिफाई कर दूंगा ग्रुप पे, पिछली बार मैं नोटिफाई नहीं कर पाया था तो काफी लोगों का टेस्ट छूट गया था। हाँ, इस बार मैं नोटिफाई कर दूंगा। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स बताओ, कौन बताएगा? सर एक तो बाहर हो सकता है, फिर हम लोग एलिप्स में वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, राइट? फिर एक तो वही सेम चीज है, S1 निकालेंगे, S1 निकालेंगे और क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 है या क्या है देख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को, इक्वेशन ऑफ एलिप्स को मैं s इज इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूँ, कोई पॉइंट p लिया x, y, तो अब s1 देखेंगे क्या आएगा। s1 मतलब इस सर्कल, इस एलिप्स की इक्वेशन में मैंने p पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो s1 अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट आउटसाइड है, s1 इज इक्वल्स टू 0 ऑन एलिप्स है, और s1 लेस देन 0 इनसाइड है। कौन समझाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कौन समझाएगा ऐसा क्यों हो रहा है? तीसरी बार कर रहे हैं ये चीजें। सर डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हो, वैसे ही समझना भी है आपको कि देखो अगर आपने कोई पॉइंट लिया है तो उससे कैसे निकालोगे, मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? ये क्या होता है? रेशियो देख लोगे बस, वही पॉइंट है तो पी एस बाई पी एम यहाँ पे जो होना चाहिए एक्चुअली एलिप्स का जो रेशियो होता है, जैसे पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई आना चाहिए, राइट? अगर पॉइंट आपने बाहर लिया है तो पी एस बाई पी एम जो रहेगा उसका रेशियो ई से कैसा आएगा, बड़ा आएगा, राइट? न्यूमरेटर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ई से बड़ा आएगा, तो पी एस बाई पी एम ई होता तो एलिप्स हो जाता, सिंस पॉइंट इज आउटसाइड, s1 इज ग्रेटर देन 0। वही सेम चीज़ें हैं जैसे मैंने सर्कल में समझाई थी, एकदम सिमिलर है, ठीक है? तो आपको अगर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट निकालना है, हाँ सर्कल में डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस ट्रेस कर लो ना, फोकस से डिस्टेंस देख लो, डायरेक्ट्रिक्स से देख लो किसी पॉइंट बाहर के। हाँ सर वो सम भी बड़ा ही आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करो, ये दिव्यांश क्लियर है ना बेटा? ये सेम ही टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसीलिए एलिप्स और हाइपरबोला में ना उतना टाइम नहीं लगता, और एलिप्स और हाइपरबोला तो एकदम एक जैसा है, बीच में बस इसमें प्लस आता है, बीच में उसमें माइनस आता है, और देखने में ज्योमेट्रिकली दोनों बहुत डिफरेंट से फिगर्स हैं, बट इक्वेशन वाइज दोनों बहुत सेम है, तो अलजेब्रा दोनों की सेम होती है, एकदम सिमिलर होती है, सेम नहीं। फाइंड the set of values of alpha, the set of values of alpha for which the point p alpha minus alpha lies inside ellipse, एलिप्स है x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1, कोई आंसर नहीं बोलेगा।
डन सर वेरी गुड बेटा दिव्यांश इस वीक वाला टाइम टेबल मिला है ना आपको अच्छा सर्वेश प्राची समीक्षा आप जुलाई बैच में पोस्ट हुआ है नॉन एंटी बैच उनका टाइम टेबल नहीं सर शायद नहीं होता देखता हूँ तो आप लोग नॉर्मली बस आईडी जो आती है उसी पे ज्वाइन कर लेते हो आईडी कैसे मिलती है फिर सर वो नॉन एंटी बैच में वाले ग्रुप में भी अच्छा तुम मूव कर गए हो सब लोग प्राची समीक्षा आप लोग भी मूव कर गए हो ना नॉन एंटी बैच वाले ग्रुप में हाँ ठीक है ओके तो टाइम टेबल में देखना मेरे एक संडे को एक एक्स्ट्रा सेशन है स्पेशल सेशन है उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो सेशन मिस मत करना मॉर्निंग में है वो 12 o'clock से है शायद आफ्टरनून में डन सर डन डन सर कौन बताएगा बताओ कोई भी बताओ सर -12/5 S1 less than 0 कर देंगे सब्स्टिट्यूट कर दो पॉइंट को पॉइंट P को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 16 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 -1 इज लेस देन 0 तो यहां से कितना आ जाएगा 25 मैच कर रहे सर ना सुकांत सर यस सर यस सर ओके ठीक है वैसे भी ये टॉपिक छोटा सा एक बहुत बोरिंग सा टॉपिक हो गया ये अब आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे इंटरैक्शन ऑफ अ लाइन एंड एलिप्स या पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स अब देखो वही तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी एलिप्स के कंपैरिजन में क्या क्या हो सकती है टेंजेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग राइट सेकेंट टेंजेंट और नॉन इंटरसेक्टिंग तो कोई भी लाइन एज अ सेकेंट बिहेव कर सकती है एज अ टेंजेंट बिहेव कर सकती है और नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकती है तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है तो क्या करेंगे लाइन को अज्यूम करेंगे यस सर फिर सब्स्टिट्यूट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू लेट लाइन बी वन वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो तुम लोग खुद ही से डेरिवेशन कर लोगे अब तो मुझे लगता है सारा वही सर वही क्वाड्रेटिक आएगा डिस्क्रिमिनेंट देखना है जैसा वो कह रहा है सब सब कोई कर लोगे ना यस सर यस सर फिर भी मैं करवाऊंगा नहीं तो पता चल रहा रिकॉर्डिंग्स अपलोड होती हैं आप लोग बोलो कि सर ने पढ़ाया ही नहीं है ठीक है लेट लाइन बी y इज इक्वल्स टू mx + c एंड एलिप्स को ये मान लिया अब वापस से हम क्या करेंगे y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू mx + c देखते हैं कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं mx + c द होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अब थोड़ा सा देखो ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर ओपन करो तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू एम एक्स सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहां से और यहां से एक्स स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं सीधे तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ठीक है उसके बाद एक्स लेते हैं तो एक्स सिर्फ यहीं पे है ना तो प्लस टू ए स्क्वायर सी एम एक्स
ऐसा कुछ आ गया प्लस एक ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां तक सबको क्लियर इक्वेशन? जब पहली बार करवाया था तो ये इक्वेशन एक एक स्टेप पे समझाना पड़ रहा था, अभी तो सबको समझ में आ रही है ना? यस यस सर। अब बताओ दिव्यांश क्या होगा बेटा, अगर मुझे टैंजेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शाक्य आप बताओ, अगर मुझे टैंजेंट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट, देखो अभी ये x में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए कि एक ही रूट मिले इसका तो मुझे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। अगर मुझे दो रूट्स चाहिए तो मैं क्या करूंगा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो करूंगा, और अगर मुझे नो रूट्स चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो करूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना आ रहा है? फोर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ ए इंटू सी, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू दी पावर फोर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, मतलब तीन टर्म्स आएंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे फोर ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेकर के हटा सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करें सर? सी स्क्वायर एम स्क्वायर बन जाएगा और फिर उसमें बी स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं। एक्सपेंड कर लेते हैं, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी बी टू द पावर फोर, ठीक है, प्लस b square a square m square is equals to zero। c square m square कहाँ कट रहा है? सर आपने four, सर आपने एक बार four c square m square आएगा उधर। मैंने कुछ मिस किया क्या? सर वो four a to the power four होगा ना starting में। हाँ सर, four a to the power four c square m square। अच्छा, फोर ए टू द पावर फोर हो रहा है यहाँ पे, वो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, ठीक है। हाँ ओके, अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो सी सी पे ही कंडीशन देखनी है, तो सी को लेफ्ट हैंड साइड रख करके बाकी सबको राइट हैंड साइड भेजना है, तो थोड़ा सा कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। बट सर फाइनल रिजल्ट सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ रहा है। हाँ यहाँ से, अच्छा ठीक है, अभी ये कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, उसके बाद फिर सर बी स्क्वायर भी काट दीजिए सब में से। हाँ यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकते हो और हटा दो, तो कितना हो जाएगा? और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गया हूँ, ये बी स्क्वायर एलिमिनेट करने के बाद यहाँ से और यहाँ से, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये यहाँ तक सबको सब क्लियर है कैलकुलेशन? यस सर। तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये होता है एलिप्स की, ये क्या बोलते हैं इसको? कंडीशन फॉर टेंजेंसी। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। हाँ। श्रीकांत सोच होके जाता है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो ये है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो अब मुझे बताओ कि किसी भी पॉइंट से, मतलब क्या एलिप्स पे दो कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं एलिप्स पे एक स्लोप के लिए?
दो टैंजेंट्स बन सकती है ना। देखो पैराबोला में क्या हो रहा था कि हमें एक ही इक्वेशन दिख रही थी, क्योंकि क्लियर भी था कि एक ही टैंजेंट बन सकती है, दूसरी ऐसे पैरेलल टैंजेंट नहीं आएगी। लेकिन जब एलिप्स की बात करते हैं, एलिप्स में चार क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में दो बन सकते। तो क्योंकि फिगर थोड़ा सिमेट्रिकल टाइप का दिख रहा है आपको, तो एक स्लोप के लिए अगर मैं एम की कोई वैल्यू रखूंगा तो एम की कोई वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए आपको दो टैंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरसेप्ट अलग होगा, सी अलग अलग होगा। ये सी जो है वो इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? अन्ना ये क्लियर है बेटा? सर इसमें चेंज आता है क्या फॉर्मूले में? क्या आता है बेटा? सर फॉर्मूले में चेंज आता है वर्टिकल के लिए। वर्टिकल के फॉर्मूले पे चेंज आता है, तो वर्टिकल के लिए हम कंडीशन ऑफ टैंजेंसी कभी नहीं निकालते ना। और ट्राई करके देख लो, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना उसमें, बस और कुछ भी नहीं चेंज होगा। तो कंडीशन फॉर टैंजेंसी वो सब तो हम टैंजेंट में पढ़ेंगे, अभी टैंजेंट के बारे में भी पढ़ूंगा। कंडीशन फॉर टैंजेंसी सबको समझ में आ गई क्या है? सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। मुझे बताओ कंडीशन फॉर टैंजेंसी सबके लिए, एक सेकेंड रुकना। कंडीशन फॉर टैंजेंसी सर्कल की कंडीशन ऑफ टैंजेंसी क्या थी? दोनों आदित्य चुप रहो और शंकर भी, ये मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स कम क्यों हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तेज पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? मुझे लग रहा है कि आप लोग को आती है सारी चीजें, ये सब आता है सर। तीन बंद करके अभी तो कर सकते हैं, दो चैप्टर से वही कर रहे हैं, तीन चैप्टर। ठीक है तो कौन बताएगा? श्रुति आप बताओ बेटा। श्रुति टेल मी सर्किल के लिए कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या थी? C इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ लाइन सेंटर से इक्वल रहता है रेडियस के। वो तो P इज इक्वल टू इक्वेशन के लिए था ना बेटा, वो तो इक्वेशन निकालने के लिए मैंने बताया था। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या थी? जैसे यहाँ पे आया ना C इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो सर्किल के लिए कंडीशन पर टेंजेंसी क्या थी? सर्किल के लिए अगर मैं कोई लाइन लूंगा तो वो सर्किल से टेंजेंट कब होगी? जब उसका सी क्या होना चाहिए? बताओ प्राची। प्राची क्या थी कंडीशन पर टेंजेंसी सर्किल की? रेडियस से इक्वल है, शशांक भी यही बोल रहा है, राइट श्रीकांत? दो लोग देखो इतने में दो और ड्रॉप हो गए, क्या करो? पॉज ले लूँ क्या यहाँ पे? ऐसे थोड़ी ना पढ़ा पाऊंगा, दो दो तीन तीन करके ड्रॉप करते रहोगे जितनी बार मैं खोलूंगा। वंश आप बताओ बेटा कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या थी? रेज योर हैंड जो जो अनम्यूट कर सकता है, जिससे मैं उन्हीं से पूछूं। Raise your hand, all those who can unmute themselves. सोच के समझ के हाथ रेज करना, पूछूंगा भी क्वेश्चन। देखो आदित्य ने हैंड ही रेज नहीं किया, आदित्य जिंदल ने हैंड रेज नहीं किया। सर आपने जब शक्ति खींच लिया हैंड रेज करने की तो कैसे करें? क्या कर लिया मैंने? सर हैंड रेज करने की शक्ति छीन ली आपने। क्यों सब तो कर रहे हैं? अरे सर आप कह रहे हैं ना नहीं जवाब देना तो फिर। अच्छा वो उस सिचुएशन पे ओम। अरे ठीक है श्रीकांत समझ गया, मत करो वेट करो। सिद्धेश बताओ बेटा। बगल में मिक्सर चालू हुआ है, कह रही है मृणमयी। हाँ हाँ बताओ बेटा इसका आंसर। कंडीशन फॉर टेंजेंसी सर एक्चुअली नहीं पता सर, भूल गए। अरे यार ऐसे मत करो। श्रुति आप बताओ। सर एक बार नोट्स देख। नोट्स नहीं रहने तो नोट्स मत देखो, हमें आप बताओ कंडीशन फॉर टेंजेंसी हमें इज आंसरिंग।
सिद्धेश सिद्धेश अनम्यूट करो, बताओ कंडीशन फॉर एजेंसी। सर सर एक्चुअली रहने दो बेटा, समझ गया। प्लस माइनस आर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। हां प्लस माइनस जानना भूल गया। ये तुम लोगों को क्यों नहीं याद है? ये तो सबसे, मैंने बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। पूरे टेंजेंट के इक्वेशन इसी पे बेस होती है हर चैप्टर में। पैराबोला के लिए बताओ, कोई भी बताओ। ठीक है, और अब हमने एलिप्स के लिए भी पढ़ लिया, तो एलिप्स के लिए क्या आएगी? प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, मतलब किसी ना किसी की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से मेरा मतलब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस से एडवांस में क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि हम किसी लाइन को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट पे आपको, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन है, इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक ना एक अच्छा क्वेश्चन जरूर मिलेगा हर साल। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसको ध्यान में रखना, कैसे मैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, क्या उसका सिग्निफिकेंस हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, वो सब चीज़ें देखो। इक्वल टू जीरो, ग्रेटर दैन जीरो, लेस दैन जीरो, क्या हो रहा है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट मेरा लेस दैन जीरो हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? नॉन इंटरसेक्शन वाली लाइन मिलेगी। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो पे सेकंड, सेकंड, और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट। तो ये ऐसे चीजें है ना, जहाँ पे भी जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, टेंजेंट बताऊंगा, नॉर्मल बताऊंगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताऊंगा, कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन, फोकल कॉर्ड और पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। और वही टेंजेंट बना करके फिर मैं पूछूंगा कि क्या लगा सकते हो, इक्वेशन कैसे निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आप खुद से समझ समझ के कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा इनपुट दे करके, ठीक है। बट मैं, क्योंकि सिंस मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है पीछे, या इतनी बार पढ़ा रखा है पीछे, अच्छे से नहीं भी समझ में आ रहा तो चलो ठीक है, इतनी बार पढ़ा रखा है पीछे कि मैं उसको जल्दी जल्दी यूज कर रहा हूँ क्वेश्चंस में। चलो वही पॉज करूं या बताऊं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आगे? शाकिया बताओ, आप डिसीजन लो पूरी क्लास के लिए, बताऊं आगे या पॉज कर लूं? शाकिया आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बेटा। अरे श्रीकांत से पूछूंगा तो मना कर देगा, अरे सर रुक जाते हैं ना। श्रीकांत नहीं, मैं तो बोलूंगा अभी कंडीशन ऑफ टेंडेंसी बताइए, ये तो इक्वेशन भी बता दो, आधा अधूरा लगेगा। नहीं तो आधा अधूरा लगेगा, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी का टेंजेंट से रिलेशन तो है ही। चलो ठीक है, देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं बताऊंगा, पॉइंट फॉर्म और स्लोप फॉर्म बता दे रहा हूँ, क्योंकि स्लोप फॉर्म तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही होती है। तो आप किसी भी टेंजेंट्स की इक्वेशन लिख सकते हो। तो सबसे पहले स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में, y इज इक्वल टू mx प्लस c, या c को अगर रिप्लेस कर लोगे प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर a स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अगर मुझे स्लोप गिवन है तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता हूं, यहां से लिख रहा है सबको। सर एक छोटा सा डाउट है, हां बेटा, b और a में जो भी बड़ा रहेगा वो m के साथ रहेगा ना? नहीं नहीं, हम लोग वर्टिकल वाले के लिए नहीं लिख रहे ना, मतलब हाँ सही बोल रहा है वो,
जो भी बड़ा रहेगा उसके साथ रहेगा, लेकिन एक बार ये चीज डिराइव कर लेना खुद से, बहुत रिपीटेटिव सी है। नहीं सर, क्योंकि वो 1/m वाला रिप्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ वैसे कुछ कुछ आएंगे चेंजेस, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग। हाँ सर, ओके सर। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब भी मैंने बताई है ना, तो हमेशा मैंने स्टैंडर्ड वाले के लिए ही बताई है, सबसे पहली वाली जो चीज पढ़ते हैं, पैराबोला में भी। यस सर, सर्कल में भी, सेंटर से भी। तो मेनली आप लोगों को इसी सब चीजों पे क्वेश्चंस आएंगे, एक आध क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा 100 क्वेश्चन लगाओगे तो, जहाँ पे कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो मेनली इसी पे होता है सब। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स हो जाएंगे मेरे। अगर मुझे यहाँ पे देखो, स्लोप फॉर्म का मतलब है कि मुझे स्लोप पता होगा, अगर स्लोप पता होगा तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट डायरेक्टली लिख सकते हो आप, क्योंकि कंडीशन फॉर टैंजेंसी हमने मैंने पढ़ा दिया। अच्छा अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर एलिप्स का सेंटर एच कॉमा के हो जाएगा तो क्या होगा सर? वाई शेप कर देंगे, वाई माइनस के इनटू एक्स माइनस एच। हाँ, तो अगर इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन के लिए था, अगर मुझे एलिप्स ऐसा गिवन होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस के इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस h। सर्कल में ये चीज करवाई है ना? Yes, sir. b square plus a square m square। अच्छा मैं ऐसे बोलता रहता हूँ ना सर्कल में करवाई है, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है उस टाइम पे सीरियसली, अच्छे से नहीं पढ़ा लेकिन अभी मन लग रहा है पढ़ने का, तो बता दिया करो मुझे कि सर एक बार वापस से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। हाँ मतलब ये तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन ही है, बट ठीक है सबको समझ में आ रहा है। इस सर्कल में मैंने इसका डेरिवेशन करवाया था कि अगर चेंज हो जाएगा तो भी इक्वेशन ऐसी ही आती है। हाँ सर, सर्कल में तो आपने डिराइव किया था। यस सर, ठीक है। प्राची सर्वेश क्लियर है ना ये? यस सर। तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा टैंजेंट का बाय माइनस स्लोप फॉर्म। हां स्लोप फॉर्म। हां स्लोप फॉर्म हो जाएगा। पॉइंट फॉर्म वापस से मैं क्या बोलूंगा? तो अगर मान लो मेरे पास एलिप्स पे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है h, k या x1, y1 ले लेते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? सर्वेश बताओ, आप ही बताओ। सर x x1 by square plus y y1 by b square is equal to 1। राइट, दिव्यांश सही बोल रहा है ना ये? यस यस, हो गया। सिद्धेश समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। तो पॉइंट फॉर्म में ये हो जाएगी। पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म में देख लो क्या चेंज करना पड़ेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। आदित्य जे आप बताओ। सर वही x1 को a cos थीटा ले लेंगे और y1 को b sin थीटा ले लेंगे और ऊपर इक्वेशन में डाल देंगे t = 0। राइट राइट, देखो अगर मेरे पास कोई पॉइंट दिया है इस टाइम पे, तो एक पैरामेट्रिक फॉर्म में वो पैरामीटर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया रहेगा, पॉइंट a cos थीटा b sin थीटा दिया रहेगा। तो यही जो x1 और y1 वाली इक्वेशन आई है ना, मतलब करोगे t = 0 ही, x1 की जगह इस बार a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो x into a cos थीटा अपॉन a square प्लस y into b sin थीटा अपॉन b square इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से ए और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पर यहाँ से वो भी दिख रहा है कि उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट ए और बी होंगे। हाँ वेरी गुड, यहाँ से सबको ये भी दिख रहा है ना कि वाई क्या, एक सेकंड क्या बोला तुमने? सॉरी सर, कुछ गलत रिज्यूम कर लिया। सर वाई इंटरसेप्ट, सर ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना लाइन का? हाँ लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, राइट, ये स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है।
ओके क्लियर हो गया सबको इक्वेशन? यस सर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताता हूँ, याद है एक बार हर बार मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टैंजेंट्स बताता हूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वो, तो वो बताऊंगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब दो टैंजेंट का इंटरसेक्शन। हाँ भाई, दो टैंजेंट मतलब किसी पॉइंट से अगर टैंजेंट्स बनाई है। अच्छा हाँ सर। तो उसका ये पॉइंट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? पैराबोला में ये पॉइंट डायरेक्टली क्या था? यस सर, a t1 t2 a into t1 plus t2, a t1 t2 comma a t1 plus t2 पैरामेट्रिक फॉर्म के हिसाब से था ना, तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म से ही मैं वो चीज डिराइव करवाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन लिखो। पैराबोला के लिए बस पैरामेट्रिक फॉर्म में था ना ये? हाँ, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से ही निकलता है ना वो, मतलब इजीली पैरामेट्रिक फॉर्म से हो जाता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमेशा t1 t2 मानोगे। वैसे भी किसी भी पॉइंट अगर पैराबोला पे किसी भी पॉइंट को लेना है तो आपको ये चीज तो पता है ना कि t ही लो, ज्यादा बेटर है, तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म में ही बताया था वो। चलो क्वेश्चन करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ, मैं सोच रहा था कौन सा क्वेश्चन करवाऊं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स टू एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 विच आर परपेंडिकुलर perpendicular to line y plus 2x is equals to 4. Basic sa question ho gaya. Chalo find equation of tangents to ellipse 3x square plus 4y square is equals to 12 which are perpendicular to line y plus 2x is equals to 4. Answer koi nahi chal raha hai. Done, sir. Very good. Very good, beta. Prishita, batao. Answer batao, Prishita. So root 2y is equal to root 2y is equal to root 2x by 2 plus root 2y. Root 5, sorry. क्या बोला? रूट टू वाई प्लस रूट टू एक्स इज इक्वल टू, नहीं सर, रूट टू वाई इज इक्वल टू रूट टू अपॉन टू एक्स प्लस रूट फाइव, रूट टू एक्स अपॉन अपॉन टू प्लस रूट फाइव। दो टैंजेंट्स आएंगे ना बेटा? प्लस माइनस। अच्छा देखो यहाँ पे प्लस माइनस रूट फाइव। ओके, कोई और आंसर बताओ, एनीवन? सर मुझे 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2 रूट 13 आ रहा है। x प्लस माइनस 2 रूट 13 सर, 2 रूट 13 आ रहा है सर, 2 रूट 5 आएगा। सबका आंसर गलत आ रहा है सर, मेरे को 3x माइनस 4y इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 65 आ रहा है। अरे सर, y इक्वल टू x बाय 2 प्लस माइनस 2,
वेरी गुड, y इक्वल्स टू x बाय 2 प्लस माइनस 2, ये आंसर है जो 2x 2y प्लस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, दिस इज द राइट आंसर. आना यही आया था? हाँ सर यही है, यही आंसर है. ये जितनी जल्दी जल्दी में सब करके बैठे रहते हो ना, सब गलत करते हो. अब मैं समझ रहा हूँ तुम लोग के नंबर क्यों नहीं आते. देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगी, राइट? यस सर. ये लाइन मुझे पता है तो इसकी वजह से इसका स्लोप कितना है, माइनस टू. तो इससे परपेंडिकुलर लाइन जो टैंजेंट है उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1/2. तो स्लोप मुझे पता है तो कौन सा फॉर्म मुझे रिक्वायर्ड हो जाएगा, स्लोप फॉर्म, राइट? तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर. यही तो कंडीशन है स्लोप फॉर्म टैंजेंट की. बी स्क्वायर की वैल्यू 3 दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 दे रखी है, क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस 3 प्लस 1. वन ए स्क्वायर 4 है, एम स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. ये लोग एम स्क्वायर नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग, प्लस माइनस रूट ऑफ 4, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2. क्लियर ये क्वेश्चन? 4 ना रूट ऑफ 4 हटा दिया ना सर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया. अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 4 हो जाएगा. क्लियर ये क्वेश्चन सबको? यस 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 सर. यहीं पे पॉज ले रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा सा मटेरियल खोज करके ना होमवर्क देता हूँ, और क्योंकि कल ही हम लोग का लेक्चर है तो कल ही हम लोग और ज्यादा कवर कर लेंगे. मोस्ट प्रोबेबली टैंजेंट तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और भी छोटे छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं नॉर्मल से पहले तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे. तो कल मैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाऊंगा, रिवीजन लगवाऊंगा, मतलब रिवीजन करके आना जो भी आज पढ़ाया है, क्योंकि एलिप्स में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. एकदम रिपीटेटिव चीज़ें चल रही हैं जो हमने पहले पढ़ रखी हैं, सेम. तो एक तरह से सबका थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा था, और मैं सारी चीज़ें बताता रहूँगा जैसे 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 भी मैंने यहाँ पे ये बताया था ना. कहाँ गया वो? कंडीशन फॉर टेंजेंसी. हाँ जैसे कंडीशन फॉर टेंजेंसी बताई ना कि पैराबोला में क्या थी, सर्कल में क्या थी, एलिप्स में क्या थी, ऐसे जो जो चीज़ें आती रहेंगी कॉमन जो रहेंगी सब में, वो चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है? चलो सर, खत्म करने से पहले एक डाउट जो आपको भेजा था वो आप सॉल्व कर सकते हैं. हाँ एक, ठीक है एक सेकेंड रुको, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ. यस ठीक है, तो एवरीवन कैन लीव.